यूएसए वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का मैच नंबर 11 सीधा आ रहा है टेक्सस से। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू परफेक्ट लाइनअप यूट्यूब चैनल। यहां हम आपको बताते हैं हर मैच का डिटेल डेटा और एनालिसिस। तो चलिए जानते हैं क्या कहती है वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट, कौन है टॉप प्लेयर्स, क्या है कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के सजेशंस, किस टीम के ज्यादा चांसेस हैं इस मैच को जीतने के, क्या रहेगा प्रेडिक्टेड स्कोर, ये सारा डेटा हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। यूएसए वर्सेस पाकिस्तान, काफी इंटरेस्टिंग ये मैच होने वाला है। एक तरफ यूएसए अभी अपना लास्ट मैच जीत के आ रही हैं, वहीं पाकिस्तान अभी अपने लास्ट दो मैचेस इंग्लैंड के सामने हार के आ रही हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग ये मैच होने वाला है। लेकिन एक तरफ यूएसए अभी हाल फिलहाल में कनाडा को हरा के आ रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इंग्लैंड से हार के आ रही है। तो दोनों टीमों में काफी अंतर भी है। पाकिस्तान का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है इन कंपैरिजन ऑफ यूएसए। तो चलिए जानते हैं क्या रहेगा प्रेडिक्टेड स्कोर इस मैच को लेकर। तो अगर यूएसए पहले बैटिंग फर्स्ट करती है तो 143 रन तक का टारगेट दे सकती है 8 विकेट के नुकसान पर। वही अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग फर्स्ट करती है तो 147 रन तक का टारगेट दे सकती है 8 विकेट के नुकसान पर। अगर विनिंग चांसेस की बात करें तो पाकिस्तान के ज्यादा चांसेस हैं इस मैच को जीतने के। अगर यूएसए पहले बैटिंग फर्स्ट करती है तो पाकिस्तान इस मैच को जीत सकती है 6 विकेट के मार्जिन के साथ। वहीं अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग फर्स्ट करती है तो इस मैच को जीत सकती है 59 रन्स के मार्जिन के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है वेन्यू एंड पिच के स्टैट्स। तो हम चलते हैं वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट पे। तो ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में मैच खेले जाने वाला है, ये स्टेडियम टेक्सास में है। अगर पिच की बात करें तो पिच इक्वली फेवर करती है बैट्समैन एंड बॉलर्स को। तो इवन सिलेक्शन रखना है अपने लाइनअप में बैट्समैन एंड बॉलर्स को लेकर। बैलेंस पिच है यहाँ की। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करें तो 157 रन्स का है। एवरेज विकेट लॉस पर इनिंग 6 विकेट्स हैं। टॉस ट्रेंड्स की अगर बात करें तो इस पिच पर टॉस जीतने वाली टीम ज्यादातर चेजिंग प्रेफर करती है। लेकिन वही अगर विनिंग चांसेस की बात करें तो वो इस पिच पर इक्वल है बैटिंग फर्स्ट एंड चेजिंग के लिए। अब अगर बॉलर्स की बात करें तो पिच इक्वली सपोर्ट करती है पेसर्स एंड स्पिनर्स को। तो इवन सिलेक्शन रखिए अपने लाइनअप में पेसर्स एंड स्पिनर्स को लेकर के। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन है टॉप प्लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ फैंटेसी पॉइंट्स। उसके लिए हम चलते हैं स्टैट्स प्लेग्राउंड पर। स्टैट्स प्लेग्राउंड पर हमें कस्टमाइज डेटा मिल जाता है अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो यहां मैं ऑलरेडी अपनी प्रेफरेंस एंटर करा चुका हूं। अब जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करता हूं यहां हमें टॉप प्लेयर्स की लिस्ट दिख जाती है। अब अगर हम पर्टिकुलर पोजिशन वाइज बात करें तो विकेट कीपिंग पोजिशन पर लास्ट 5 मैचेस में 274 पॉइंट्स के साथ हैं मोनांक पटेल। यूएसए से विकेट कीपिंग बैट्समैन है, कप्तान है अपनी टीम के, काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। 248 पॉइंट्स के साथ हैं मोहम्मद रिजवान। पाकिस्तान से विकेट कीपिंग बैट्समैन है। बैट्समैन की अगर बात करें तो 307 पॉइंट्स के साथ हैं बाबर आजम। पाकिस्तान से बैट्समैन है, कप्तान है पाकिस्तान टीम के। 263 पॉइंट्स के साथ हैं फखर जमान। पाकिस्तान से बैट्समैन है। उसके बाद 204 पॉइंट्स के साथ हैं एरन जोन्स। यूएसए से बैट्समैन है, लास्ट मैच में ही काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने, 94 रन्स मारे थे T20 वर्ल्ड कप में पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं और पहले मैच में ही 94 रन्स की पारी खेली, कमाल की वो परफॉर्मेंस थी। 10 छक्के लगाए हैं इन्होंने पूरे कुल उस मैच में, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। ऑलराउंडर्स की अगर बात करें तो 360 पॉइंट्स के साथ है स्टीवन टेलर। यूएसए से ऑलराउंडर हैं, 260 पॉइंट्स के साथ हैं कोरी एंडरसन। यूएसए से ऑलराउंडर हैं, 206 पॉइंट्स के साथ है इमाद वसीम। पाकिस्तान से ऑलराउंडर हैं। बॉलर्स की अगर बात करें तो 369 पॉइंट्स के साथ है शाहीन अफरीदी। पाकिस्तान से बॉलर हैं। 317 पॉइंट्स के साथ है हरमीत सिंह। यूएसए से बॉलर हैं। 308 पॉइंट्स के साथ हैं हैरिस रॉफ। पाकिस्तान से बॉलर हैं। 254 पॉइंट्स के साथ हैं अब्बास अफरीदी। पाकिस्तान से बॉलर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के सजेशंस इस मैच को लेकर। तो शाहीन अफरीदी बॉलर हैं पाकिस्तान से, हैरिस रॉफ
बॉलर हैं पाकिस्तान से, अब्बास अफरीदी बॉलर हैं पाकिस्तान से, बाबर आजम बैट्समैन है पाकिस्तान से, फकर जमान बैट्समैन है पाकिस्तान से। अब अभी तक हमने जो डेटा एनालाइज किया उसके बेसिस पर जनरेट करते हैं अपनी टीम। तो जाएंगे हम कस्टम टीम बिल्डर पर, सिलेक्ट करेंगे एडवांस सेक्शन, सिलेक्ट करेंगे अपना फेवरेट फैंटेसी प्लेटफॉर्म जिसके लिए हम टीम जनरेट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करेंगे अपने बेसिस, पिक करेंगे अपना फॉर्मेशन। सो एक से दो विकेट कीपिंग बैट्समैन रखूंगा अपने लाइनअप में, बैट्समैन मैं दो से चार रखूंगा, वहीं ऑलराउंडर भी मैं दो रखना चाहूंगा अपनी टीम में, बॉलर मैं दो से चार रखूंगा अपने लाइनअप में। टीम सिलेक्शन प्रेफरेंस की बात करें तो पाकिस्तान के ज्यादा चांसेस हैं इस मैच को जीतने के, तो पाकिस्तान टीम से मैं छह से सात प्लेयर अपने लाइनअप में रखना चाहूंगा। टीम वेरिएशन की बात करें तो डिफरेंट टीम्स के साथ मैं जा रहा हूं, कैप्टन वाइस कैप्टन की सेटिंग्स में डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ जा रहा हूं। नंबर ऑफ टीम्स में 5 जनरेट कर रहा हूं, आप अप टू 100 टीम्स भी जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, यहां हमें प्लेयर्स की लिस्ट दिख जाती है। अब इन प्लेयर्स को हम सिंपली एज अ प्रेफर्ड मार्क कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं और एक्सक्लूड कर सकते हैं अपनी टीम से। तो यहां मैं बाबर आजम को अपनी टीम में रखना चाहूंगा, एरन जोन्स रहेंगे मेरी टीम में, मुनांग पटेल रहेंगे मेरी टीम में, मोहम्मद रिजवान को भी एज अ प्रेफर्ड मार्क करना चाहूंगा, शाहीन अफरीदी, हैरिस रॉफ, अब्बास अफरीदी भी रहेंगे मेरी टीम में, हरमीत सिंह को भी मैं अपनी टीम में रखना चाहूंगा, इसके साथ साथ कोरी एंडरसन भी रहेंगे मेरी टीम में। तो ये कुछ प्लेयर मैंने एज अ प्रेफर्ड मार्क कर लिए हैं अपनी टीम के लिए। अब जैसे ही मैं जनरेट 5 टीम्स पे क्लिक करता हूँ, विद इन अ सेकंड मेरी टीम्स जनरेट हो जाती हैं अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग फॉर्मेशन एंड अलग अलग कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के साथ। अब इन टीमों को मैं सिंपली सिलेक्ट ऑल करके एक्सपोर्ट कर सकता हूँ अपने फेवरेट फैंटेसी प्लेटफॉर्म पर। तो देखा आपने परफेक्ट लाइनअप के साथ कितना आसान है अपनी परफेक्ट फैंटेसी टीम जनरेट करना, प्लेयर का एनालिसिस करना और उन टीमों को एक्सपोर्ट करना अपने फेवरेट फैंटेसी प्लेटफॉर्म पर। तो अगर आप भी अपनी परफेक्ट फैंटेसी टीम जनरेट करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करिए परफेक्ट लाइनअप ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये था डिटेल एनालिसिस यूएसए वर्सेस पाकिस्तान के बीच में खेले जाने वाले इस T20 वर्ल्ड कप के मैच नंबर 11 को लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए मैच एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए कीप प्लेइंग फैंटेसी स्पोर्ट्स।